पठारी क्षेत्र में फायर ब्रिगेड की मांग को लेकर विदिशा के पठारी में मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन तहसीलदार पठारी रमेश मेहरा को सौंपा गया। ज्ञापन में मांग की गई कि पठारी क्षेत्र से लगे हुए 55 गांवों में आगजनी की घटनाएं दिन रात हो रही है। पठारी में नगर पंचायत न होने के कारण हमें फायर ब्रिगेड उपलब्ध नहीं हो रहा है। मुख्यमंत्री महोदय से निवेदन है कि तत्परता से इस समस्या पर ध्यान दिया जाए, पठारी क्षेत्र में फायर ब्रिगेड उपलब्ध कराई जाए। पठारी कस्बा 55 गांव से जुड़ा हुआ है, हम सब आपसे उम्मीद रखते हैं। जब तक कि फायर ब्रिगेड गंज बासुदा खुरई या कुरवाई से आती है तब तक बहुत बड़ा नुकसान हो जाता है। मुख्यालय पर यदि फायर ब्रिगेड रहेगी तो तत्काल ग्रामीण क्षेत्रों में आगजनी पर काबू पाया जा सकता है। समिति के अध्यक्ष धर्मेंद्र भार्गव ने बताया यह जन समस्या है, इस पर सरकार को विचार करना चाहिए, सांसद विधायक विचार करें, जनता के मतों से जीते हुए जनप्रतिनिधि इस ओर ध्यान दें। विदिशा पठारी से आशीष सहले की रिपोर्ट। प्रशासन से अनुरोध है इस समस्या को गंभीरता से लिया जाए। यहाँ पर पठारी क्षेत्र में फायर ब्रिगेड होना अति आवश्यक है। माननीय मुख्यमंत्री महोदय इस तरफ ध्यान दें कि इस क्षेत्र में फायर ब्रिगेड की अत्यंत आवश्यकता है। कहीं भी आग लग जाती है तो बहुत बड़ा नुकसान होने की संभावना बनी रहती है। माननीय मुख्यमंत्री महोदय पठारी क्षेत्र की समस्याओं पर ध्यान दें, धन्यवाद। किस विषय में ज्ञापन दिया आप लोगों ने? आज हमारी राष्ट्रीय जन समस्या समाधान समिति ने पठारी क्षेत्र से लगे हुए 55 गांव उनकी जो इस समय स्थिति है उसके हिसाब से हमने राष्ट्रीय जन समस्या समाधान समिति ने माननीय मुख्यमंत्री महोदय से मांग की है। हमारे क्षेत्र में फायर ब्रिगेड की आवश्यकता है, क्योंकि हमारी पठारी नगर पंचायत न होने के कारण यह सुविधा हमें उपलब्ध नहीं है। लेकिन आज कई गांव में आग लग रही है, जब तक कि खुरई से गंज वासुदा से मुरवाई से यहाँ पर फायर ब्रिगेड आती है तब तक के यहाँ पर बहुत बड़ा नुकसान हो जाता है। आज मैं प्रशासन से मांग करता हूँ कि हमारे पठारी क्षेत्र को एम्बुलेंस दिए जाने की कृपा करें, धन्यवाद। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।